झीलों की नगरी उदयपुर में जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग के साझे में 3 दिवसीय मेवाड़ महोत्सव का आगाज सोमवार से शुरू हुआ है। इस अवसर पर विविध पारंपरिक आयोजन के दौरान झीलों के सौंदर्य के साथ ही मेवाड़ की संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिल रही है। ओल्ड सिटी में घंटाघर से गणगौर घाट तक विभिन्न समाज की ओर से गणगौर सवारी निकाली जा रही है। विभिन्न समाज की महिलाओं पुरुषों ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर गणगौर की सवारी निकाली है। लोकगीतों और लोक नृत्यों के साथ ही लोक संस्कृति के अनुपम छटा के बीच निकली गणगौर की सवारी से संपूर्ण शहर का वातावरण सुरमय और आकर्षक बना दिया गया है। सोमवार की शाम से ही उदयपुर शहर के लिए किसी उत्सव से कम नहीं थी। 2 साल से कोरोना के प्रकोप के बाद आज शहर में फिर मेले व उत्सव का माहौल दिखा। शहर की विभिन्न गलियों से निकली गणगौर की सवारी जब एक साथ गणगौर घाट पर पहुंची तो वहां का अलौकिक दृश्य हर वर्ग को आकर्षित कर रहा था। पारंपरिक वाद्य यंत्र बैंड बाजे ढोल आदि के सुरों को संगम माहौल का खुशनुमा बना रहा था। सजी धजी गणगौर व ईशर जी ने सभी को आकर्षित किया। गणगौर के पर्व पर शिव पार्वती के रूप में पूजनीय गणगौर व ईशर जी की अनूठी छवि विशेष आकर्षण का केंद्र रही। महिलाओं के सिर पर आकर्षण वेशभूषा एवं श्रृंगार से सुसज्जित गणगौर व ईशर की प्रतिमा ने सभी को आकर्षित किया। मेवाड़ महोत्सव के पहले ही दिन शहरवासियों में अपूर्व उत्साह व उमंग के साथ सेल्फी की विशेष होड़ दिखी। महिलाएं एवं बालिका लेक सिटी के सौंदर्य के बीच गणगौर की प्रतिमा के साथ सेल्फी लेते काफी उत्साहित नजर आई। उत्साह और उमंग के इस खूबसूरत माहौल के बीच हर कैमरा मोबाइल व्यस्त दिखा। 2 वर्ष के अंतराल के बाद फिर से आयोजित हुए इस मेवाड़ महोत्सव में पर्यटकों ने भी खासी उत्साह दिखाया। देशी विदेशी पर्यटकों ने भी राजस्थानी परिधान पहनकर इस आयोजन में भाग लिया। देखिए आपके गणगौर उत्सव के कुछ दृश्य। तो क्या कुछ कहना है आपका हमारी इस कवरेज पर, हमें मैसेज बॉक्स में कमेंट जरूर करें और बेहतरीन खबरों के लिए बने रहिए लेक सिटी न्यूज़ के साथ।